एंड आज का नीट का जो टेस्ट है हम लोग का वो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं इन क्वेश्चनों को और करते हैं सॉल्व। और हर एक क्वेश्चन अपने आप में चैलेंज होता है, बड़े सावधानी से बनाने की जरूरत होती है, तो कॉन्शसली आप लोग उसको बनाने का प्रयास करना। चलो पहला क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर न्यूट्रिएंट दैट आर साइकिल थ्रू द अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ इकोलॉजी विल इंक्लूड द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग थ्रू द इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिजमल इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। क्वेश्चन समझ में अगर आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा देता हूँ। ये जो जो चारों जो एलिमेंट हैं, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, सबके सब क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू, जो बायोजी केमिकल साइकिल पढ़ा होगा उसके थ्रू आता और जाता रहता है। तो चॉइस जो दिया हुआ इसमें से कौन सा सही होगा भाई? ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी तो ऑर्गेनिज्म को डील करता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी पॉपुलेशन को डील करता है, कम्युनिटी इकोलॉजी कम्युनिटी को डील करता है, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डील करता है। एक इकोसिस्टम इकोलॉजी ही ऐसा है जो ये बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों को डील करता है, क्योंकि इकोसिस्टम क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बींग विद द इन्वायरमेंट। जो एबायोटिक फैक्टर है वो फैक्टर भी चेनलाइज यहाँ पे होता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, एक का बी क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अगर आप लोग बना लिए हो तो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड फ्रॉम लिस्ट इंक्लूसिव टू मोस्ट इंक्लूसिव। पहला दिया हुआ पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, बायोस्फीयर। इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। वो एक सीक्वेंस है जो मैंने, तो आप लोगों को अगर जानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो इसको याद रखना और उसी हिसाब से आंसर करना। पहला है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं दैट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। ये क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मिलकर क्या बनता है, कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। मतलब यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो ये क्या हो गया, कम्युनिटी हो गया, ये हो गया कम्युनिटी। और कम्युनिटी के साथ लिविंग बींग क्या हम कम्युनिटी बात करते हैं केवल कम्युनिटी, तो इन सारे लिविंग के साथ अगर नॉन लिविंग भी जोड़ दें, मतलब लिविंग प्लस नॉन लिविंग को भी हम जोड़ दें यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इकोसिस्टम, ये हो गया इकोसिस्टम। और कई सारे जब इकोसिस्टम आपस में मिल जाते हैं क्या बन जाता है, बायोम। और सारे बायोम क्या बनाता है, बायोस्फीयर को बनाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो इसको आप बना सकते हो, अरेंज फ्रॉम लिस्ट इंक्लूसिव टू द मोस्ट इंक्लूसिव। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सी, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के नीचे क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के नीचे क्या है, कम्युनिटी। कम्युनिटी के नीचे क्या है, पॉपुलेशन। दिस इज द राइट आंसर। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एन इकोलॉजिस्ट इज स्टडिंग द पैटर्न ऑन द विंग ऑफ एन इंडेंजर्ड बटरफ्लाई स्पीसीज दैट अलाउ इट टू एस्केप प्रीडेटर सच एज बर्ड्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिमिक्री, ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी, म्यूचुअलिज्म और कम्युनिटी इकोलॉजी। आप समझ पा रहे हो ना? तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, आप लोग थोड़ा भी अगर ध्यान में आ रहा होगा तो इसको आराम से आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। तो ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी का नाम सुना है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हर एक इंडिविजुअल अपने आप को अडेप्ट करने के लिए एक दूसरे से छुपता छुपाता है।
इस चॉइस के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, मिमिक्री होगा कि ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी होगा, म्यूचुअलिज्म होगा कि कम्युनिटी इकोलॉजी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। एक अनदर क्वेश्चन, इस ईयर पोल्यूटेड रिवर बीच विजिटर्स आर वार्न ऑफ पॉसिबल इकोलाइफ विच कैन कॉज इलनेस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ इन्वायरमेंटल कंडीशन बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक अफेक्ट्स इकोलाई रिस्क, विच टाइप ऑफ इंडिविजुअल शुड एन इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट कोलेबरेट विथ। क्या हो जाएगा वो, एन इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट, अ पोडियाट्रिस्ट, अ कम्युनिटी इकोलॉजिस्ट एंड अ पॉपुलेशन इकोलॉजिस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखना, एन इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट इसका क्या हो जाएगा, का जो आंसर होगा वो होगा। क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जिस तरह के स्टडी का काम करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अदर क्वेश्चन, सम बैक्टीरियल स्पेसीज कैन यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर। इन दिस सिचुएशन द बैक्टीरिया आर बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, प्रीडेटर और सिम्बायोटिक पार्टनर। सम बैक्टीरियल स्पेसीज कैन यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर। इन दिस सिचुएशन द बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया क्या है, ये बायोटिक फैक्टर है कि एबायोटिक है कि प्रीडेटर है कि सिम्बायोटिक पार्टनर है। तो आप लोगों को राइजोबियम का नाम याद आ रहा होगा, और राइजोबियम फिक्स करता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को या जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। तो इसका जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आप लोग बताओ। बैक्टीरिया लिविंग बीइंग होता है, और लिविंग बीइंग है तो उसे हम बैक्टीरिया को किसमें डालेंगे, बायोटिक फैक्टर में डालेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ए, सी और डी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, वो लिविंग है, और लिविंग का मतलब हुआ बायोटिक फैक्टर में आ जाएगा वो। सिम्बायोटिक पार्टनर अलग हो गया, सवाल है किसी चीज में बैक्टीरिया क्या है, वो एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाएगा। लेकिन बैक्टीरिया का अगर स्टेटस की बात करें इस क्वेश्चन के अनुसार, सिर्फ बैक्टीरिया स्पेसीज एज स्पेसीज बैक्टीरिया क्या है, बायोटिक फैक्टर में आ जाएगा। अदर क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर इम्पोर्टेंट टू मोस्ट इकोसिस्टम बिकॉज दे। तो फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वह क्या करता है, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम डिकेइंग हेटरोट्रॉप्स, कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यूज विंड एनर्जी टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। प्रकाश संश्लेषी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका एक ही काम होता है, दे कैन यूज CO2 एंड सनलाइट एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो उसका काम मेनली होता है, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बी। और यही आगे पास करेगा अगले ट्रॉपिक लेवल पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी। चलो एक सवाल और लेते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी फोकस ऑन, पॉपुलेशन इकोलॉजी का मेन फोकस कहाँ पे होता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पेसीज इन एन एरिया एंड हाउ एंड वाई दैट नंबर चेंजेस ओवर टाइम। सच वे से द प्रोसेस ड्राइविंग इंटरेक्शन विद इन एंड अमोंग डिफरेंट स्पेसीज विद इन एन एरिया। थर्ड इज द एडेप्टेशन दैट इनेबल इंडिविजुअल टू लिव इन स्पेसिफिक हैबिटेट। एंड फोर्थ है प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन एन इनक्लोज एरिया। पॉपुलेशन इकोलॉजी का मेन जो फोकस है इस क्वेश्चन के अनुसार से क्या होगा, याद रखना, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन स्पेसीज इन एन एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन, एंड हाउ एंड व्हाई दैट नंबर चेंज ओवर टाइम, आवर पर्पस इज टू स्टडी इट
द राइट आंसर हियर इज द ए. राइट आंसर क्या होगा, पहला ही तो है इसका स्टेटमेंट, वो राइट स्टेटमेंट है ये. चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको. द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर सच एज रेन एंड टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोजियोग्राफी, इकोसिस्टम और जियोग्राफी. क्वेश्चन क्या है समझ लो आप लोग, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर सच एज रेन एंड टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर वर्षा और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है. एंड दैट इज नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोजियोग्राफी, इकोसिस्टम और जियोग्राफी. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एकदम से याद रखना. आप लोगों ने अगर बायोजियोग्राफी का नाम सुना होगा तो ठीक है, अदरवाइज सुन समझ लो पहले क्या होता है. बायोजियोग्राफी तो कम्युनिटी इकोलॉजी किसका स्टडी, कम्युनिटी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओनली लिविंग बींग्स, मतलब अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी. कम्युनिटी इकोलॉजी डील्स अबाउट ओनली लिविंग बींग्स, नॉट अबाउट द नॉन लिविंग और एबायोटिक फैक्टर. दूसरा बायोजियोग्राफी की बात करते हैं, बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इन जियोग्राफिकल स्पेस एंड थ्रू जियोलॉजिकल टाइम इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर सच एज रेनफॉल एंड टेम्परेचर ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशंस. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बी. बी क्यों होगा, इको याद रखना, जियोग्राफी जान ही रहे हो, इकोसिस्टम जान ही रहे हो, याद रखना. इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बींग विद द एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम और या इकोलॉजी. और जियोग्राफी समझ लीजिए स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ एटमोस्फियर और सारे फैक्टर की स्टडी को हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं. तो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, मेनी स्पीसीज ऑफ पाइन ट्री आर फाउंड इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन इन हिमालयस फुट हिल्स, दिस इज बिकॉज, चॉइस पर आप लोग, दे आर नॉट सेपरेटेड ज्योग्राफिकली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एंड डिड नॉट इवॉल्व टू डिफरेंट स्पीसीज, प्लांट ब्रीडर्स कैरिड सीड टू डिफरेंट एरियाज, पॉलन फ्रॉम pollen tree was able to travel far, pine was present widely and in some areas they dried out. So right answer is question ka kya hoga, yaad rakhna, they were not separated geographically over millions of years and did not evolve to be different species. और दिस इज द ओनली रीजन, अगर वो अलग हो गया होता ज्योग्राफिकली तो वहाँ पे नहीं मिलता, सिंपली वो अलग नहीं हो पाया और अलग अलग टाइम में अलग अलग उसके जो है उसमें जो भी चेंजेस होना था होता चला गया. एंड दैट्स वाई सो द राइट आंसर इज दे आर नॉट सेपरेटेड ज्योग्राफिकली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एंड डिड नॉट इवॉल्व टू बी डिफरेंट स्पीसीज, दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ए. अनदर क्वेश्चन, an ecologist hiking up a mountain may notice different biomes along the way due to change in all the following except elevation, rainfall, latitude, temperature. आप जब जाते हो किसी पहाड़ी क्षेत्र में और अलग अलग बायोम को नोटिस करते हो तो आप वहाँ पे जो डिफरेंस जो मिलता है तो डिफरेंस क्यों है आखिर, मतलब अलग अलग बायोम सिंपल समझ लो, अलग अलग बायोम अलग अलग क्यों है, आप ये भी कह सकते हो उसका एलिवेशन अलग है कि उसका रेनफॉल अलग है वहाँ पे है कि लैटिट्यूड अलग है टेम्परेचर अलग है. तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या होगा, लैटिट्यूड, अर्थ पे वो बायोम लोकेटेड कहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बायोम ऑन डिफरेंट लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ डीएस डिफरेंट इन देयर नेचर एंड अपियरेंस. द राइट आंसर हियर इज द, याद रखना आप लोग, लैटिट्यूड क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा. और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है. तो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियो, जो लोग और भी वीडियोज हैं जिनको नहीं देखे उनको जरूर देखिए आप लोग जाकर के, अपना कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा.
एंड डू दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो।